Good morning, friends. This is the first morning in Goa, so we just woke up 10-15 minutes before. और अभी हम लोग जाएंगे ब्रेकफास्ट करने नीचे, और ब्रेकफास्ट के बाद हमारा कुछ ऐसा प्लान है कि हम कहीं ना कहीं निकलेंगे, या तो बीच साइड पे जाएंगे कैंडलम, क्योंकि हम स्टे कैंडलम में कर रहे हैं, तो हमें कैंडलम के साइड बीच पे जाना है. देखते हैं उसके बाद का क्या प्लान रहेगा. तो आप बने रहिए मेरे साथ, मैं दिखाती रहूँगी आपको गोवा का जो जो भी अच्छा होगा. आई विल मेक श्योर कि आपको पता लगे. नाउ वी आर गोइंग फॉर ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट टाइम 10:30 तक है, सो जस्ट अब उठ के फटाफट चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं. सेकेंड डे भी पूल में आ गए हैं, क्योंकि मन नहीं कर रहा था बाहर इसलिए जाने का क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी. तो वी थॉट लेट्स जस्ट एंजॉय इन पूल, और देखिए हम सब फिर से पूल में हैं सेकेंड डे. अब यहाँ से फ्री होके तब बाहर निकलेंगे थोड़ी देर बाद. टाइम टू रिलैक्स एंड चिल. सो अभी शाम के 5 बजे हम निकल चुके हैं, और अब हम जा रहे हैं तितली या आंतरेज, जहाँ भी टेबल मिल जाए. सो लेट्स गो. पहुँचे हैं तितली, जो कि है उजरान बीच पे, वैगतौर बीच के पास, लेकिन यहाँ ऑलरेडी सब पैक्ड है, फुल है बिल्कुल. यहाँ पे हमें टेबल नहीं मिलेगी मोस्ट प्रोबेबली, सो हम कहीं और जाएंगे, मे बी शायद आंतरेज देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है तितली काफ़ी फेमस है, काफ़ी अच्छा है. तो यहाँ पे ऑलरेडी बुकिंग्स रहती हैं, तो आपको एडवांस बुकिंग करनी चाहिए यहाँ पे आने के लिए. इट्स माई एडवाइस, सो जब भी तितली आए अपनी बुकिंग्स पहले से कर लें, सो इट विल बी गुड फॉर यू. तो आपको टेबल अच्छी मिल जाएगी, क्योंकि दिस इज़ नोन फॉर सन डाउनर्स, यहाँ पे सनसेट के लिए फेमस है ये. अभी हम आ चुके हैं आंतरेज, क्योंकि तितली में हमें जगह नहीं मिली थी, वेटिंग थी, तो हमने सोचा आंतरेज चलते हैं. यहाँ से व्यू देखिए क्या मस्त व्यू है, एकदम सो मेस्मराइजिंग. आंतरेज में फर्स्ट टाइम आई हूँ, सो मेरे अकॉर्डिंग 10 में से आई विल गिव 8.5. द नेक्स्ट डे, सो गाइस इट्स डे 3 इन गोवा. तो अब हम आए हैं कैंडलम बीच, क्योंकि अभी तक हम बीच नहीं आए थे, हम बाकी जगह ही एक्सप्लोर कर रहे थे. सो आफ्टर अवर ब्रेकफास्ट अभी हम आए हैं कैंडलम बीच, तो चलते हैं कैंडलम बीच. अभी फिलहाल धूप है काफ़ी, बादल भी हैं, यू नेवर नो, सब बारिश आ गए, बट अभी बहुत गर्मी है, धूप है और हाई टाइड्स हैं, क्योंकि मॉनसून में थोड़ी सी हाई टाइड्स रहती हैं. सो विल मेक श्योर कि हम बहुत आगे ना जाएँ. ये हेयर ब्रीडिंग बनवा रही हूँ मैं, हेयर ब्रीडिंग कट एंड सुच इट लेट्स ट्राई. मौसम बहुत ही प्यारा हो चुका है, इतनी अच्छी
हवा और इतना अच्छा मौसम, इट्स जस्ट ऑसम। बहुत ठंडी हवा है एंड इट्स ऑसम। देखिए ये हो रही है मसाज, यहाँ पर फुट मसाज के मजे लिए जा रहे हैं बीच साइड पे। ये सारे फ्रेंड्स लगे हुए हैं यहाँ पे, शोल्डर मसाज चल रही है इनकी, फुट मसाज चल रही है सबकी। से हाय सचिन, यो अभिषेक, और बीच में वेव्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा हाई है, मॉनसून की वजह से अंदर नहीं जा पा रहे हैं पानी के, बहुत ही ज्यादा हाई वेव्स है। बाहर ही बैठे, बाहर मौसम अच्छा तो है। चलो तो अभी हम आए हैं लंच करने। दाल मखनी वो बच्चों को लगा दो। आपने मंगवाया था? डिनर के लिए हम आए हैं ब्रिटोस, जो कि बागा बीच पे है। तो ब्रिटोस काफ़ी फेमस है, काफ़ी जानी मानी जगह है, तो काफ़ी अच्छा एम्बियंस है।